सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोएक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दो बहुत ही अच्छे प्रोसेसर को लेकर के, और साथ ही में कंपेयर करेंगे इन दोनों ही प्रोसेसर का। और अगर हम बात करते हैं दोनों ही प्रोसेसर की, तो जो पहला प्रोसेसर है उसका नाम है Qualcomm Snapdragon 720G, जो कि एक नया प्रोसेसर है और हाल ही में जनवरी के महीने में लॉन्च हुआ है Qualcomm Snapdragon 460 और 662 के साथ में। और अगर आप इन तीनों ही प्रोसेसर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने कई सारी वीडियो बनाई है जो कि आपको यहाँ बटन में देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो। और साथ ही में जो दूसरा प्रोसेसर है जिसको हम कंपेयर करेंगे वो है Qualcomm Snapdragon 765G, और ये दोनों ही काफी अच्छे प्रोसेसर हैं। और काफी लोगों को ये कंफ्यूजन भी है कि ये दोनों ही 5G सपोर्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों ही 5G प्रोसेसर हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो 720G है ये नया प्रोसेसर है, तो 720G से पहले जो लॉन्च हुआ प्रोसेसर था वो हमें 765G देखने को मिला था। तो इसी वजह से लोगों को कंफ्यूजन है कि 720G भी एक 5G चिपसेट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। करीब करीब हमें 2 से 2.5 साल लग सकते हैं इसी 5G को देखने के लिए, यानी कि 5G सपोर्ट हमें ठीक से काम करने को मिलेगा 2 से 2.5 साल के अंदर इंडिया के अंदर। तो इसी वजह से 4G के ऊपर थोड़ा सा और फोकस दिखाया है Qualcomm ने, और इसी वजह से 3 नए 4G प्रोसेसर लॉन्च किए थे जो कि मैंने वीडियो के अंदर आप सभी को पहले बताया। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही प्रोसेसर का, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रोसेस से, यानी कि आर्किटेक्चर। तो ये दोनों ही प्रोसेसर कौन सी प्रोसेस पर बेस है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं Qualcomm Snapdragon 720G की। ये हमें 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर देखने को मिलता है। साथ ही में अगर बात करते हैं हम दूसरे प्रोसेसर की जो कि है Qualcomm Snapdragon 765G, तो ये हमें 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर देखने को मिलता है। और साथ ही में अगर बात करते हैं हम इसी आर्किटेक्चर की, तो जितनी कम नैनोमीटर पर हमें ये प्रोसेस देखने को मिलेगी उतनी पावर एफिशिएंसी होने वाली है प्रोसेसर के अंदर। और अगर बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर के सीपीयू की, तो दोनों के अंदर ही हमें जो क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, यानी कि सीपीयू क्लॉक स्पीड जो हमें देखने को मिलती है वो 2.3 GHz तक की देखने को मिलती है इन्हीं दोनों प्रोसेसर के अंदर। साथ ही में अगर बात करते हैं हम कोर्स की, तो हमें Qualcomm Snapdragon 720G के अंदर ओक्टा कोर्स देखने को मिलती है। साथ ही में अगर बात करते हैं हम कोर्स की Qualcomm Snapdragon 765G के अंदर, तो उसके अंदर हमें Qualcomm Kryo 475 कोर्स देखने को मिलती है। और अगर बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर ब्लूटूथ सपोर्ट की, तो हमें Qualcomm Snapdragon 720G के अंदर एक नया ब्लूटूथ सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा आगे है Qualcomm Snapdragon 765G के मुकाबले, और हमें 720G के अंदर ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही में 765G एक पुराना प्रोसेसर है जिसके अंदर हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर बात करते हैं हम वाईफाई सपोर्ट की, तो इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर हमें वाईफाई 6 तक का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे कि हमें पुराने वाईफाई सपोर्ट के मुकाबले जो वाईफाई स्पीड देखने को मिलती है वो लगभग डबल देखने को मिलती है। और ये खासकर आपकी इलाइट गेमिंग को ध्यान में रखा गया है, जो कि Qualcomm की तरफ से इलाइट गेमिंग का फीचर है जिससे कि वाईफाई से इलाइट गेमिंग को जोड़ा गया है और आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाया गया है। और अगर बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर की डाउनलोडिंग स्पीड की, तो शुरुआत करते हैं हम Qualcomm Snapdragon 720G से, जो कि एक 4G प्रोसेसर है। तो जो इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है वो हमें 800 Mbps तक देखने को मिलती है, यानी कि अप टू 800 Mbps तक की स्पीड देखने को मिलती है डाउनलोडिंग के अंदर हमें इसी Qualcomm Snapdragon 720G के अंदर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और वीडियो के अंदर मैंने पहले भी आप सभी को बताया कि Qualcomm Snapdragon 765G एक 5G प्रोसेसर है, तो उसके अंदर जो हमें डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है वो हमें 3.5 से लेकर के 3.7 GBPS तक की देखने को मिलती है। और इसी वजह से जो दोनों ही प्रोसेसर है उसके अंदर भी हमें अपलोडिंग स्पीड के अंदर भी अच्छा खासा गैप देखने को मिल जाता है, जो कि 720G के अंदर हमें 300 Mbps तक की अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है मैक्सिमम। साथ ही में जो अपलोडिंग स्पीड हमें देखने को मिलती है इसी Qualcomm Snapdragon 765G के अंदर वो हमें 1.5 से 1.7 GBPS तक देखने को मिलती है। और अगर बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर कैमरा सपोर्ट की, तो इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर हमें अप टू 192 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही में अगर बात करते हैं हम लेटेस्ट कैमरा सपोर्ट जो कि हमें किसी डिवाइस के अंदर देखने को मिला है, तो वो हमें 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा सपोर्ट देखने को मिला है मैक्सिमम। और साथ ही में ये डिपेंड करेगा आपकी स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर
कि वो आपको कौन सा कैमरा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है आपके प्रोसेसर के साथ में। और अगर बात करते हैं हम इन दोनों ही प्रोसेसर की जीपीयू की यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, जो कि आपकी गेमिंग को, आपके ग्राफिक्स को और फ्लूइड और स्मूथ बनाता है, तो शुरुआत करते हैं हम Qualcomm Snapdragon 720G के साथ में। तो इसके अंदर हमें Qualcomm की तरफ से Adreno 618 GPU देखने को मिलता है, और साथ ही में जो GPU देखने को मिलता है हमें Qualcomm Snapdragon 765G के अंदर, वो हमें Qualcomm की तरफ से Adreno 620 देखने को मिलता है। यानी कि GPU के मामले में हमें एक कदम आगे देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर। और अगर बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर चार्जिंग सपोर्ट की, तो शुरुआत करते हैं Qualcomm Snapdragon 720G के अंदर। तो इसके अंदर हमें क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही में इसी चार्जिंग सपोर्ट के साथ में एक कदम आगे निकल जाता है Qualcomm Snapdragon 765G, जिसके अंदर हमें क्विक चार्ज 4 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि क्विक चार्ज 4 से एक कदम आगे है। और अगर बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर स्टोरेज टाइप की, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड पर काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ ही में आपकी जो रीड एंड राइट स्पीड होती है वो भी काफी हद तक इम्प्रूव होती है इसी स्टोरेज टाइप को लेकर के। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर स्टोरेज टाइप की, तो इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर हमें UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर रैम स्पीड की, जिससे कि आपकी मल्टीटास्किंग और आसान होने वाली है, तो अगर हम बात करते हैं 765G की, तो ये एक कदम आगे निकल जाता है 720G के मुकाबले। तो इसके अंदर हमें जो रैम स्पीड देखने को मिलती है वो हमें 2133 मेगाहर्ट्ज तक देखने को मिलती है, यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज तक की रैम स्पीड देखने को मिलती है। साथ ही में अगर बात करते हैं 720G की, तो उसके अंदर हमें रैम स्पीड काफी कम देखने को मिलती है 765G के मुकाबले, जो कि हमें सिर्फ 1866 मेगाहर्ट्ज तक की रैम स्पीड देखने को मिलती है, यानी कि 1866 मेगाहर्ट्ज की ही रैम स्पीड देखने को मिलती है हमें Qualcomm Snapdragon 720G के अंदर। और अगर बात करते हैं हम रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की, तो दोनों ही प्रोसेसर यानी कि Qualcomm Snapdragon 720G और साथ ही में Qualcomm Snapdragon 765G दोनों ही कैपेबल है 4K वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एट 30 FPS, यानी कि 30 frames per second। और अगर हम वीडियो के एंड में बात करते हैं इन दोनों ही प्रोसेसर को लेकर के, तो अगर बात करते हैं हम GPU में, तो GPU में भी एक कदम आगे देखने को मिलता है हमें Qualcomm Snapdragon 765G Adreno 620 के साथ में। साथ ही में ब्लूटूथ के अंदर हमें थोड़ा सा पीछे देखने को मिल जाता है 765G, और साथ ही में ब्लूटूथ में एक कदम आगे निकल जाता है ब्लूटूथ सपोर्ट 5.1 के साथ में Qualcomm Snapdragon 720G। और अगर हम बात करते हैं चार्जिंग सपोर्ट की, तो चार्जिंग सपोर्ट के अंदर भी हमें 765G आगे देखने को मिलता है क्विक चार्ज 4 प्लस के सपोर्ट के साथ में। और अगर बात करते हैं अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड की, तो उसके अंदर भी हमें काफी हद तक आगे देखने को मिलता है 765G, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, तो इसी वजह से हमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी 5G हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर हमें 2 से 2.5 साल तक का टाइम देखने को मिलेगा, यानी कि इतने टाइम के बाद हमें ठीक ठाक 5G सर्विस देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। तो अगर आप एक 5G प्रोसेसर के साथ में जाना चाहते हैं और आप अगर 2 से 2.5 साल तक कोई भी फोन चेंज नहीं करेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही में अगर आप कम बजट के साथ में जाना चाहते हैं एक अच्छे 4G प्रोसेसर के साथ में, तो Qualcomm Snapdragon 720G एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही में जो रैम स्पीड है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है हमें Qualcomm Snapdragon 765G के अंदर, और साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग CPU और Wi-Fi सपोर्ट के अंदर ये दोनों ही लगभग सेम है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं।